हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूँ मनोरमा। मेरी टॉप किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बैगन की एक नया रेसिपी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बैगन भरला की मसाला बनाने के लिए मैंने इधर खड़ा जीरा, धनिया और काली मिर्च और सूखा हुआ लाल मिर्च और ड्राई कोकोनट थोड़ा फ्राई कर हल्का ड्राई कढ़ाई से फ्राई कर लिया। अभी ये ठंडा हो गया, अभी मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। अभी ड्राई मसाला दे देती हूँ। सारे मसाला को एक साथ मिक्स कर लेना है। हल्दी पाउडर दे दिया एक चम्मच भर के, आधा चम्मच नमक दे दिया। नमक थोड़ा कम देना है इधर, नहीं तो कारी में भी नमक आएगा तो ज़्यादा नमक हो जाएगा। जो मसाला भून के रखे थे दो चम्मच भर के दे देती हूँ। अभी जीरा पाउडर दे देती हूँ एक चम्मच भर के। अभी आमचूर पाउडर एक चम्मच भर के दे दिया। अभी मस्टर्ड ऑयल दे देती हूँ दो चम्मच। अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। बहुत टेस्टी होता है ये जो मसाला है, ये जब बैगन के अंदर जाएगा तो बहुत अच्छे से बनता है, टेस्टी बनता है। मेरी मसाला पूरा मिक्स हो गया, मैं अच्छे से और भी मिक्स कर लेती हूँ। अभी ये बैगन मैंने काट लगा लिया। ये बैगन की अंदर ऐसे करके स्टफ दे दूंगी, वो जो मसाला फ्राई करके रखे थे वो सारे एक साथ मिक्स कर लिया। अभी ये बैगन के अंदर, सारे बैगन के अंदर दे देती हूँ। ये देखिए ऐसे मैंने ये स्टफ अंदर दे दिया, मसाला जो है ये अंदर दे दिया। अभी इसे सारे बैगन के अंदर ऐसे करके ले लेती हूँ। मैं कढ़ाई में तेल दे दिया। अभी जीरा दे देती हूँ। अभी मस्टर्ड सीड दे देती हूँ आधा चम्मच और कारी लीफ दे देती हूँ। अच्छे से गरम हो गया। अभी प्याज दे देती हूँ। कटा हुआ प्याज और टमाटर दे दिया। अभी इसे अच्छे से कुक होने देती हूँ ढंग से। अभी ड्राई मसाला दे देती हूँ एक चम्मच, जीरा पाउडर। आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। अभी लाल मिर्च पाउडर दे देती हूँ आधा चम्मच। पानी देना है मुझे। अच्छे से कुक होने देती हूँ ढक्कन लगा के। कलर बहुत बढ़िया है। अभी पानी दे देती हूँ। मसाला फ्राई हो गया, अभी ये कलर अच्छे से आ गया। अभी मैं पानी दे देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक देना, क्योंकि बैगन के अंदर भी है थोड़ा। टेस्ट करके फिर देना। उबल आने देते हैं, फिर वो बैगन सारे दे दूंगी मैं। अच्छे से उबल आ गया, अच्छे से उबल आ गया। अभी मैं ये बैगन को दे देती हूँ। मैंने सारे बैगन को दे दिया। अभी ढक्कन लगा के अच्छे से कुक कर लेती हूँ। बैगन भरेला पूरा बन के तैयार हो गया। अभी मैं इसे थोड़ा घी दे देती हूँ। ये मेरा हो गया, अभी मैं सर्व कर देती हूँ। ये बैगन भरेला पूरा बनके तैयार हो गया, ये मैं सर्व कर दिया। आप सब जरूर बनाएं, बिल्कुल नया रेसिपी है। तो देखिए फ्रेंड, इतना इजी से बनके तैयार हो गया बैगन भरेला। आप सब जरूर बनाएं और खाते रहिए।
और ऐसा नया नया रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप सब क्या क्या नया खाना बनाने सीखते हो, इसीलिए मुझे जरूर कमेंट करके बताना और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रख लेना, तब जब मैं कुछ नया बनाऊंगी ना तब सबसे पहले आप सबके पास पहुंच जाएगा। तो नया वीडियो आने तक